हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से सभी को एक नई सोसाइटी दिखाने के लिए लेके आ गया हूँ, जिसकी लोकेशन सेक्टर 43 होने वाली है। गाइस, मेरे पास ना बहुत टाइम से कॉल्स आ रही थी कि आप कुछ नई सोसाइटीज़ दिखाओ जिसकी लोकेशन गोल्फ कोस्ट रोड के आसपास हो या वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम गोल्फ कोस्ट रोड हो। तो सेक्टर 43 की लोकेशन की ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो यहीं पर मैं आपके लिए एक नई सोसाइटी लेके आया हूँ। पहले मैं लोकेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। सेक्टर 43 इसकी लोकेशन होने वाली है, एंड आपके आसपास में सोसाइटीज़ आ जाती हैं जैसे लॉर्ड कृष्णा, बजरंग भावना, रामा, एक्सटेक्स गैलेक्सी और एम्बियन स्कूल। आपका गोल्फ कोर्स रोड बिल्कुल टच में आ जाता है, रैपिड मेट्रो 43 का बिल्कुल नियर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो लोकेशन बहुत अच्छी है गोल्फ कोर्स रोड से, मतलब हर कोई आज की डेट में वेल नोन है इस लोकेशन से, जहाँ पे आपके DLF, कैमेलियाज, मंगोलियाज जैसी सोसाइटी आ जाती है। तो लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है गुड़गांव की, सेक्टर 43 एंड गोल्फ कोर्स रोड। तो गाइज, देर ना करते हो अब आगे चलते हैं। ये तो लोकेशन हो गया, इस लोकेशन के आसपास सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब सोसाइटी के ऊपर आते हैं, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी सेक्टर 43 में लोकेटेड है, एंड CGHS सोसाइटी होने वाली है। सोसाइटी का नाम न्यू एरा होम्स होने वाला है, न्यू एरा होम्स CGHS सोसाइटी, जो कि सेक्टर 43 में लोकेटेड है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 एकड़ के अंदर ये सोसाइटी बनी हुई है। इसमें टोटल फ्लैट्स की बात करें, 24 टोटल फ्लैट होने वाले हैं। इसमें जो हम आज आपको साइज़ दिखाने वाले हैं, ये आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट होने वाला है, जो जिसका साइज़ अप्रोक्सीमेटली 3200 स्क्वायर फिट के आसपास है। एंड गाइज, इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको? 100% पावर बैकअप मिल जाता है, बेसमेंट कार पार्किंग, 2 कवर्ड कार पार्किंग मिल जाती है, 24/7 गार्ड फैसिलिटी, लिफ्ट्स और बेसिक जो नॉर्मल CGHS के अंदर चीज़ें होती हैं वो आपको इस सोसाइटी के अंदर मिल जाती है। तो गाइज, देर ना करते हैं, फ्लैट की तरफ चलते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, जैसे आप लेआउट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या लोकेशन समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्राइस और विजिट के लिए भी आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज हम आपको जो साइज़ दिखाने वाले हैं, 4 BHK प्लस सर्वेंट होने वाला है, जिसका साइज़ 3200 स्क्वायर फिट है। देर ना करते हुए आपको फ्लैट पे लेके चलते हैं और वीडियो लास्ट तक देखें गाइस, पूरा फ्लैट देखें, पूरा फ्लैट हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो गाइज, ये हम फ्लैट की लोकेशन पर आ गए हैं। ये दो लिफ्ट मिल जाती हैं आपको सामने, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंड दो स्टेयर्स हैं।
ये स्टेयर्स हो जाती हैं और पर फ्लोर पे आपके दो फ्लैट मिल जाते हैं गाइज। तो आइए देर न करते हुए एंटर करते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है गाइज, इसमें ये सर्वेंट बाहर ही रखा हुआ है, ये सर्वेंट है आपको, आइए सर्वेंट दिखाता हूँ पहले। ये सर्वेंट के लिए एक्सेस इन्होंने अलग से रखा हुआ है सर्वेंट, एंड ये अटैच वॉशरूम है सर्वेंट के साथ में, एंड ये सर्वेंट का एक्सेस किचन के साथ दिया हुआ है, ये किचन के साथ कनेक्टेड है एंड यहीं से आप अपना वापस आ सकते हैं। तो आइए गाइस अब मेन एंट्री से एंटर करते हैं फ्लैट के अंदर। ये मेन एंट्रेंस है गाइस, एंटर करते ही गाइस हमारा ये फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। एंटर करते ही आपका राइट साइड में ये फर्स्ट बेडरूम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट बेडरूम है गाइस। ये अटैच वॉशरूम, ये वॉशरूम, एंड ये आपका स्टोरेज मतलब कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। सो गाइस मैं एक बार लेआउट के बारे में बता देता हूँ आपको। ये मेन एंट्रेंस है, हमने एंटर किया, एंटर करते ही हमारा राइट साइड में फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, देन आपका ड्राइंग एरिया आ गया ये, उसके बाद आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, देन आप इस साइड चलेंगे आपका थर्ड बेडरूम जो आप इधर देख रहे हैं, और ये सामने आप देख रहे हैं फोर्थ बेडरूम। ये 4 BHK का फ्लैट है, 4 BHK प्लस सर्वेंट, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 3,000 स्क्वायर फीट होने वाला है। आइए वीडियो में पूरा मैं टूर कराता हूँ। हमारा फर्स्ट बेडरूम एंटर करते ही आ गया, जैसे आपने देखा ये फर्स्ट बेडरूम है, देन इसके साथ लगा हुआ राइट साइड में ही आपका ड्राइंग एरिया है, ये ड्राइंग एरिया आ गया गाइस। एंड इसी के साथ कनेक्टेड बैल्कनी है ड्राइंग रूम के साथ में, ये बैल्कनी आ गई है, रनिंग बैल्कनी है गाइस। ये आपके सेकंड बेडरूम एंड ड्राइंग रूम के साथ कनेक्टेड है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बैल्कनी से व्यू आ जाता है आपका, ये बैल्कनी से व्यू आ गया जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये ड्राइंग रूम के मतलब अपोजिट में, यानी एंटर करते ही लेफ्ट साइड में हमारा आपका किचन आ जाता है, ये किचन हो गया गाइस इसका, ये किचन है जैसा आप देख पा रहे हैं, एंड किचन के साथ लगती हुई वेंटिलेशन के लिए बालकनी है, ये बालकनी से किचन वाली बालकनी से व्यू आता है, पीछे से DLF आइकन आ जाता है आपका, एंड ये आपका सर्वेंट के लिए एक्सेस है किचन के लिए, देन आपका मेन एंट्रेंस से भी इसका सेपरेट किया हुआ है किचन का एक्सेस। इसके बाद गाइज हम एंटर करते ही सेम राइट साइड में चलेंगे, कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम आ जाता है, ड्राइंग रूम के बगल में आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, ये आप जैसे देखो ड्राइंग रूम, एंड इसके साथ ही लगा हुआ राइट साइड में ही आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है, ये सेकंड बेडरूम है गाइस विद अटैच वॉशरूम, ये इसका वॉशरूम होने वाला है। इसी के साथ लगती हुई एक रनिंग बैल्कनी जो आपके ड्राइंग एरिया के साथ है एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ है, ये इसका कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं इनका। ये किचन के सामने आप ये अपना डाइनिंग एरिया यूज कर सकते हो, इन्होंने मतलब स्टोरेज टाइप में यूज किया हुआ है, या आप उधर भी अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हो। तो आइए अब हम थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम आ गया, ये आपका थर्ड बेडरूम होने वाला है गाइस, ये मास्टर बेडरूम है बेसिकली आपका। ये आपका पाउडर रूम, कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, एंड अटैच वॉशरूम, ये वॉशरूम आ जाता है, काफी अच्छा नाम रखा है गाइस। इसी के साथ कनेक्टेड ऐप की बालकनी है, ये भी काफ़ी बड़ी बालकनी है, रनिंग बालकनी है, दो रूम्स के साथ कनेक्टेड है, थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम के साथ में।
ये हमारा फोर्थ बेडरूम है गाइस। इसके साथ भी सेम थर्ड बेडरूम वाली बालकनी कनेक्टेड है विद अटैच वॉशरूम। ये इसका वॉशरूम हो जाता है, ये इसका वॉशरूम है गाइस। एंड ये इसका कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। एंड सेम साइज फोर्थ बेडरूम के साथ भी थर्ड एंड फोर्थ के साथ कनेक्टेड बालकनी है, जैसे आपने बालकनी देखी गाइज। इसमें बेसिकली आपके फोर बेडरूम प्लस सर्वेंट थे और सभी के साथ बालकनी कनेक्टेड है, बट फर्स्ट बेडरूम के साथ कोई बालकनी कनेक्टेड नहीं है। वो एज ए आप गेस्ट रूम, स्टडी रूम, इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। ये रनिंग बालकनी है गाइज इसकी प्रॉपर, और इस बालकनी से ये व्यू आता है। तो तीनों बालकनी से अच्छा व्यू आता है, सनलाइट प्रॉपर है जैसे अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। सो गाइज हमने देखा ये फोर बेडरूम प्लस सर्वेंट अप्रोक्सीमेटली 3,000 स्क्वायर फीट का साइज था इसका। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर नंबर है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें। बाकी मैं फिर जाने से पहले एक बार फिर आपको लेआउट के बारे में बता देता हूँ। ये मेन एंट्रेंस है हमारा, मेन एंट्रेंस के जस्ट बगल में राइट साइड में आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, राइट साइड में आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है जैसे कि आपने देखा। एंड इसी के साथ लगा हुआ ड्राइंग रूम के साथ लगा हुआ आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। देन उसी के साथ लगा हुआ राइट साइड में ही आपका सेकंड बेडरूम, और इसके लेफ्ट साइड में बात करूँ किचन आ जाता है। लेफ्ट साइड में ये किचन है, एंड किचन से आप स्ट्रेट देखेंगे आपका ये किचन है। एंड इसी के सामने आपका राइट साइड में आपका थर्ड बेडरूम ये आप देख रहे हैं, और उसी के किचन के सामने आपका फोर्थ बेडरूम। तो बेसिकली ये 4 BHK फ्लैट था। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें देरी ना करते हुए। बहुत अच्छा ब्रांड न्यू फ्लैट है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, नई सोसाइटी है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।